नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। महंगाई के मैदान पर सब्जियों की सेंचुरी, इसी मुद्दे को लेकर आज इवनिंग एजेंडा में चर्चा करेंगे। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर लगाम नहीं लग रहा है, महंगाई ने जनता का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि आम जनता की थाली से कई हरी सब्जियां भी छूमंतर हो चुकी हैं। कई ऐसी हरी सब्जियां जिनकी कीमतों में काफी तेजी से उछाल आया है। मानसून के मौसम में महंगाई के ओले गिर रहे हैं। क्या आम क्या खास, सब महंगाई कम होने की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन झमाझम बरसात ने सब्जियों में महंगाई का बूस्टर डोज लगा दिया है। महंगाई की पिच पर भाव का शतक लगाने के बाद टमाटर अब डबल सेंचुरी के लिए धुआंधार खेल दिखा रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि टमाटर अकेला खिलाड़ी नहीं, दूसरे छोर से मिर्च, अदरक, परवल और दूसरी सब्जियों ने भी आम जनता की कमर तोड़ने का मूड बना लिया है। आलम यह है कि मोबाइल फोन के साथ फ्री ईयरफोन के बजाय फ्री टमाटर का ऑफर लोगों को ज्यादा लुभा रहा है। जी हाँ, अशोक नगर में एक मोबाइल फोन विक्रेता ने फोन पर 2 किलो टमाटर का ऑफर निकाल दिया। दुकानदार के लिहाज से अच्छी बात यह है कि इस ऑफर से उसका बिजनेस बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल के रिटेल मार्केट में टमाटर 160, अदरक 250, धनिया मिर्च 100, फूलगोभी 60, लौकी 60, शिमला मिर्ची 100, भिंडी 80 और बीन्स का भाव 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। कुछ ऐसा ही हाल दूसरी सब्जियों का भी है। हाल ये है कि सब्जी खरीदने पर जो धनिया मिर्च फ्री में मिल जाती थी उसकी कीमत ने सेंचुरी लगा दी है, यानी कि अब धनिया मिर्च भी फ्री में नहीं मिल रही। आम जनता तो कुछ ज्यादा ही परेशान है, हम लोग भी परेशान है टमाटर के भाव को लेकर। लेकिन आने वाले समय में चुनाव के पहले ही सब्जियां हर साल महंगी हो जाती है सावन में, इसका परिणाम तो बहुत गलत है। आम जनता तो खा ही नहीं पा रही है टमाटर। लोगों का जो महीने का बजट है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। पूरा बजट डगमगा गया है सब्जी के दाम को देख लेते हुए। पिछले पहले कितनी सब्जी लेते थे आप, कुछ कम करनी पड़ी है क्या? नहीं, पहले तो मैं 1-1, 2-2 किलो लेके जाता था। अब तो आधा किलो की क्वांटिटी में लेके जाता हूँ। सिर्फ एमपी में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हाल यही है। छत्तीसगढ़ का पत्थलगांव इलाका टमाटर नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी टमाटर का भाव 120 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो गया है। धनिया मिर्ची जिसका जायका लेके खाया जाता था, लेकिन अब मिर्ची खाने से ज्यादा खरीदने में तीखी लगने लगी है। जो दुकानदार है उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, अभी हाल फिलहाल में जो सब्जियों के दाम है, क्या उसमें आप देख रहे हैं थोड़ी कमी आई है? अभी भी तेज बिक्री भी कमी आई है और थोड़ा सा पहले से अभी परिवर्तन बहुत हो गया है। जो आदमी लेने वाला 1 किलो पर 0.5 किलो पावर ले रहा है जी। ये टमाटर अब क्या भाव है? टमाटर 120 रुपए किलो। बीन्स की कीमत? बीन्स भी 100-120 है। और अदरक धनिया मिर्ची? धनिया मिर्ची वही 100 रुपए, अदरक 200-250 रुपए। अगर दूसरी आम सब्जियों की अगर बात करते हैं, जैसे फूल गोभी की बात करें या ये बैगन की बात करें, फूल गोभी महंगा है, बैगन भी महंगा है। क्या भाव है? फूल गोभी है 50 रुपए, 60 रुपए किलो। और बैगन? बैगन भी 40-50। लौकी, पत्ता गोभी, गिलकी, ये थोड़ा बहुत इसमें अंतर आया क्योंकि माल की आवक कम होने के कारण थोड़ा सा महंगा हो गया माल। गिलकी कितने भाव मिल रही है? गिलकी मेरी 60 रुपए किलो। लौकी 40-50। और पत्ता गोभी? पत्ता गोभी 30-40। शिमला मिर्च की अगर बात करें तो क्या भाव है? शिमला मिर्ची 100-80 रुपए किलो। आवक कम के कारण, आवक कम होने के चलते पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़े हुए हैं, घटे नहीं है बहुत ज्यादा, तो इसका भी एक असर होता है क्या? अरे हो ही रहा असर, सभी सब्जियों में असर हो रहा है। ग्राहक ले नहीं रहा, धंधा हो नहीं रहा, परिवर्तन आ रहा ना बहुत पहले। आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, बराबर हो रही है। सब्जियों में टमाटर का तड़का तो दूर, आम जनता की थाली से हरी सब्जी ही गायब होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महीने भर के अंदर ही रसोई का बजट कैसे बिगड़ गया। दावा किया जा रहा है कि ये कीमतें मौसमी है, 15 दिन में दाम घट जाएंगे। अगले 15 दिनों में पहाड़ी राज्यों से सप्लाई शुरू होती है, भाव पर लगाम लगने की उम्मीद तब से ही लगाई जा रही है। लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ सीजन ही जिम्मेदार नहीं बल्कि मुनाफाखोरी भी एक बड़ा एंगल है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब सुनते हैं जबलपुर में दुकानदारों और लोगों का क्या कुछ कहना है। अब सब्जियों के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, अभी भी सब्जियों के दाम 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए किलो के हिसाब से चल रहे हैं। इस वक्त हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम सब्जियां रखी हुई हैं और यहां जो है दुकानदार भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वैसी भीड़ जो आम दिनों में देखने मिलती है, वो भीड़ की कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। क्या स्थिति है, अभी रेट किस तरह के कम हुए हैं या वही हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या रेट है अभी, क्या स्थिति है? रेट है भैया,
भिंडी है 100 रुपये 80 रुपये किलो, टमाटर 100 रुपये किलो है, बरबटी 80 रुपये किलो है, भाटा 80 रुपये है, लौकी 60 रुपये किलो है, अरे 120 रुपये किलो है, सब सब्जी महंगी है। वजह क्या है? कुछ नहीं, माल नहीं आ रहा, पानी में खराब हो गया, अभी माल आएगा। अभी अगर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम से ज़्यादा महंगी सब्जी, हाँ सब्जी की हो गई सर। तो ग्राहकों का भी यही मानना है कि पेट्रोल से ज़्यादा महंगी अब सब्जियां हो चुकी हैं, जिसके कारण अब लोगों का जायका भी बिगड़ रहा है, साथ ही जेब पर भी काफ़ी बोझ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि अगर आवक बढ़ेगी तो सब्जियों के दाम कुछ कम होंगे। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। मध्य प्रदेश के दो बड़े जिलों की स्थिति आपने देखी, छत्तीसगढ़ में भी क्या कुछ हालात है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन महंगाई के मैदान में सब्जियां किस तरह से सेंचुरी मार रही हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के अमूमन इसी तरह के हालात, अलग अलग जगहों से महंगाई को लेकर लोग अक्सर बातें करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हम स्थिति समझेंगे, हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, वासु चौरे हैं भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, पवन पटेल हैं जबलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं, मिथिलेश ठाकुर हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति बताने के लिए दुर्ग से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, सबसे पहले आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी, आमदनी अठन्नी टमाटर रुपया, यही वाली कहीं ना कहीं कहावत बीते दिनों हमने देखी, लेकिन अब हरी सब्जियों के दामों में भी इजाफा। निश्चित तौर पर अवंतिका, अगर आप अमूमन देखें तो लगभग सभी सब्जियों के जो दाम हैं वो इस वक्त आसमान छू रहे हैं, और यही वजह है कि इससे सीधे तौर पर अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो आम लोग हैं, जिनका एक मंथली बजट तय होता है, एक उनकी जो आय है वो निश्चित होती है, और उसी आय में वो अपने तमाम सारे खर्चे चलाते हैं, चाहे वो किचन का खर्चा हो, राशन हो, बच्चों की स्कूल की फीस हो, पेट्रोल डीजल का उनका खर्चा हो, या फिर दूसरे खर्च हो। सब्जी हर घर की रोजाना की एक जरूरत होती है, सब्जी के बिना आप कोई भी जो जो एक हाउस होल्ड की वस्तुओं की अगर आप बात करें तो किचन की रोजाना की जरूरत सब्जी होती है, और जो आम सब्जी, हम खास सब्जियों की तो बात ही नहीं कर रहे, जिसकी आपको रोज जरूरत पड़ेगी, आपको धनिया मिर्ची अदरक टमाटर की रोज जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोई सब्जी बनाएंगे तो आपको गिलकी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गिलकी आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो 60-70 रुपए किलो आपको मिलेगी, लौकी के भी इतने ही दाम है, फूल गोभी के भी इतने ही दाम है, तो लोगों को समझना पड़ रहा है। टमाटर तो चर्चा में बना ही हुआ है, 120 रुपए किलो भोपाल में टमाटर जो है वो प्रति किलो की दर से यहां पर बिक रहा है, तो लोग भी खासे परेशान है, और इसके साथ ही जो सब्जी विक्रेता है उनकी मुसीबतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इनकी जो ग्राहकी पहले ज्यादा हो जाया करती थी वो महंगाई की वजह से कम हो गई है। बात कर लेते हैं भैया, ऐसा कुछ हुआ है कि 2 किलो टमाटर लेने वाले अब पाव किलो में आधा किलो में काम चलाने लगे? क्या है कि ज्यादा महंगा है तो थोड़ा कम खपत है, मतलब उसकी 120 रुपए किलो बहुत महंगा पड़ जाता है, लोग आधा किलो में काम चला रहे, पाव भर में जो 2 किलो वाला लेने वाला रहता है वो कम से कम ले जा रहे हैं। और दूसरी सब्जियों की अगर बात करें, आप मुझे बता दीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी रेट, फूल गोभी, बैंगन, लौकी, गिलकी, इन सब के लिए तो आम सब्जियां हैं 60 रुपए से लेकर 80 तक चल रही है, और पत्ता गोभी 40 चल रही है, शिमला मिर्ची 100 रुपए किलो तक चल रही है, गिलकी 60 रुपए, करेला 60 रुपए, और गाजर 40, खीरा 40, और अरवी 60 रुपए किलो तक चल रही है। लेकिन मुझे एक बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है, अदरक आपकी दुकान पर दिखाई दे रहा है मुझे, ये अदरक तो मतलब देखना है इसका थोड़ा सा मुश्किल हो चला है, क्या भाव है अदरक भैया? 200 रुपए किलो चल रहे होलसेल में, 60 रुपए पाव बिकता है चिल्लर में, मतलब लोगों को कितने रुपए किलो मिलेगा फुटकर की बात? फुटकर में वही 60 रुपए का एक पाव मिलता है, 50 का पाव मिलता है, मतलब 200 रुपए किलो से ऊपर अदरक चल रहा है यहाँ पे, और धनिया मिर्ची 100 रुपए किलो कम से कम, 120-100 रुपए किलो मिर्ची चल रही है अभी इस समय। कब तक आपको लगता है कि सब्जियों के दाम थोड़े से कम हो जाएंगे? क्या आवक थोड़ा सा कम है ना, सब्जी के दाम कम होना चाहिए तो आम आदमी खरीदता है, क्योंकि अभी महंगा है तो आदमी सोचता है 100 रुपए में 2-3 चीज आ रही, सिर्फ टमाटर और धनिया और मिर्ची, गरीब आदमी खा नहीं पा रहे सबसे मेन चीज। आप लोगों की भी आय और दुकानदारी प्रभावित हुई है इससे? थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है ना, महंगे में तो फर्क पड़ जाता है, सस्ता रहता तो ठीक रहता है थोड़ा। तो देखिए अवंतिका, ये जो एक तो फुटकर जो सब्जी विक्रेता हैं वो हमारे साथ थे, और बड़ी संख्या में लोग इनके पास रोजाना आते हैं सब्जी खरीदने के लिए, ना सिर्फ लोग परेशान हैं बल्कि ये भी परेशान हैं, ये भी कह रहे हैं कि अब सब्जियों के दाम थम जाएं ताकि हमारी जो पहले ग्राहकी हुआ करती थी वैसी स्थिति दोबारा बन जाए। जी अवंतिका, बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी वास्तु की राहत आखिर कब तक मिलती है। पवन, आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी, जबलपुर से जरूर हमने रिपोर्ट देखी, लेकिन एक और बड़ी बात, मुनाफेखोरी की बातें कहीं ना कहीं सामने आ रही है, यहां पर रेट्स बढ़े हुए लेकिन किसानों को फिर भी ठीक कीमतें नहीं मिल रही। बिल्कुल अवंतिका, जबलपुर में भी अगर बात की जाए तो टमाटर 100 रुपए से ज्यादा कीमत में बिक रहा है, और खास बात यह है कि सिर्फ टमाटर ही नहीं बाकी सब्जियों के भी दाम जो है वो काफी
बढ़ गए हैं। स्थिति ये है कि जो आम दिनों में लोग सब्जियां खरीदते थे और जो सेहत के लिए बेहद आवश्यक सब्जियां होती हैं उनकी कीमतें भी बेहद तेजी से बढ़ी हैं और अब जो है लोगों ने अपनी खरीदारी सीमित कर दी है। हम जानना चाहेंगे दुकानदार जो हैं हमारे साथ उनसे कि किस तरह से अभी स्थिति है सब्जियों की और क्या उनकी कीमतें हैं। क्या स्थिति है भाई साहब सब्जियों की और क्या कीमतें हैं? कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं सर। टमाटर 100 रुपये किलो है, करेला 100 रुपये किलो, तुरई 80 रुपये किलो, बरबटी 100 रुपये किलो, सभी सब्जियों के रेट 80-100 रुपये किलो में है। ग्राहक से खरीदने से पहले 4 बार सोच रहा है, जो 1 किलो खरीदता था वो 1 पाव खरीद रहा है। पहले की तुलना में अभी ग्राहकी की क्या स्थिति? बहुत ग्राहकी कम हुई है। कस्टमर खर्च करने से पहले बहुत बार सोच रहा है कि जरूरत है तो खर्च करें, नहीं वरना खर्च ना करें, और ये अभी 1-1.5 महीने यही आलम रहना है। वजह क्या है इसकी, मुख्य वजह अगर बात की जाए तो क्या कारण? मुख्य वजह पानी है ना, लोकल सब्जियां बिल्कुल नहीं निकल रही हैं, पूरी सब्जियां बाहर से आ रही हैं। जहां से भी आ रही हैं तो सप्लाई कम है, डिमांड तो सेम है मगर सप्लाई बहुत कम आ रही है, इस वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। तो सप्लाई कम है और यही वजह है कि बाहर से सब्जियां आ रही हैं और इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और उनके रख रखाव का तमाम खर्चा जोड़ने के बाद इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और अब तो चर्चा यह भी होने लगी है कि सब्जियां पेट्रोल और डीजल के साथ कंपटीशन कर रही हैं और लोगों की जेब पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में अगर आवक बढ़ती है और लोकल सब्जियों की आवक भी शुरू होती है तो निश्चित है कि दाम कम होंगे, लेकिन तब तक लोगों को महंगी सब्जियां खरीदना पड़ेगी जिससे उनका जायका भी बिगड़ा हुआ है, साथ ही उनकी जेब पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं पवन। और कुछ जगह तो स्थिति हमने मध्य प्रदेश में ऐसी भी देखी कि स्कीम के तौर पर टमाटर मिल रहे हैं, फोन ले जाइए साथ में 2 किलो टमाटर आपको फ्री दिए जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं किस इजाफे के साथ सब्जी के रेट लगातार बढ़ते हुए। छत्तीसगढ़ की स्थिति हम समझ लेते हैं। दुर्ग से हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार जुड़े हैं। मिथिलेश, छत्तीसगढ़ में भी क्या मध्य प्रदेश जैसी कीमतें या थोड़ा सा बदलाव कीमतों में यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल ठीक, कमोश वैसी ही स्थिति यहाँ पर भी देखी जा रही है। जब कोई भी सब्जी जो है वो आम लोगों के पहुंच से बहुत ऊपर होती जा रही है, कोई भी सब्जी की बात किया जाए तो 60 रुपए से नीचे कोई भी सब्जी नजर नहीं आती, 1-2 सब्जियों को छोड़ के। इसके बाद में जो टमाटर की बात किया जाए तो टमाटर भी वो 100 रुपए किलो, 100 रुपए से ऊपर भी पहुंच गया। अदरक लहसुन मिर्ची है, धनिया है, जो आम जरूरत की चीजें हैं वो भी वैसे ही स्थिति में है। तो देख सकते हैं मैं भिलाई के सबसे प्रमुख बाजार में यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ जहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर जो लोगों का जायका वो बिगड़ा हुआ है। अरे किस तरह की दिक्कत हो रही है सब्जी दाम बढ़ा? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी। कैसे? बहुत महंगा सब्जी हो गया है, बहुत महंगा हो गया। हाँ, कैसे बजट में असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा जी। कैसा लग रहा है जी? पहले से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है, बहुत ज्यादा रेट मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बजट में असर पड़ रहा है? बजट में असर पड़ रहा है। तो देखिए काफी जो है सब्जियां जो काफी महंगी हो गई है, आप लोग सब्जियां लेने के लिए आए, कैसा बजट बिगड़ा हुआ है आपका? बजट बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। जो जब सब्जी 1 किलो जितने में आती थी उतने में आधे किलो 1 पाव आ रही है, टमाटर 100 रुपए किलो हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए। क्या लगता है कि भैया देखो लगातार सब सब्जियां बढ़ी हुई है, कितना असर पड़ रहा है आप लोग? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत बहुत महंगी। 2 किलो एक दो जितने रेट में 1 किलो सब्जी आती थी, आधे किलो 1 पाव आ रही है। सब्जियां कितना आप लोग सब्जियां डेली खाते थे, अब कैसे? टमाटर की बात किया जाए, बाकी सब्जियों की बात, टमाटर 100 रुपए किलो चल रहे हैं, बहुत महंगा हो गए। कैसे बजट बिगड़ा हुआ है आप लोग का? बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है बजट, सब्जियां बहुत महंगी है। देखिए सभी के चाहे एक सामान्य वर्ग जिसकी आमदनी उतनी ही थी लेकिन जो खर्चा है वो एक दुगना हो गया है, क्योंकि सब जो है सब्जियां खाना ही जो बेहद अनिवार्य होती है, धनिया मिर्ची अदरक लहसुन और जो सब्जियां होती है वो रोजमर्रा की जरूरत होती है, लेकिन जब यही सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे तो लोग करेंगे क्या, क्योंकि उनकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। मगर यदि बात किया जाए दामों की तो लगातार जो 15 दिन पहले जो दाम हुआ करते थे उसका दुगना दाम हो गया है। मतलब ये बोला जाए कि यदि 30 रुपये था तो 60 रुपए हो गया, जो 60 रुपए था वो 120 रुपए हो गया। तो ऐसे में किचन के जो बजट है पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, खासतौर पर महिलाएं जिनको एक सीमित आमदनी होती थी, एक सीमित बजट मिलता था, अब उनका बजट दुगना हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में भी जल्दी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। वासु, हम आपके ऊपर रुकना चाहेंगे, जहां पर वासु मुनाफेखोरी की बातें लगातार सामने आती हुई, इसके पीछे कोई हकीकत जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? अ
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार सब्जियों के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, उसको लेकर अक्सर इन तमाम बातों की चर्चा होती है और कहीं ना कहीं कुछ वजह होती होगी तभी इस तरीके की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से लगातार ये प्रयास किया जाता है, खाद्य विभाग की ओर से ये प्रयास किया जाता है कि कहीं पर किसी तरीके की कोई जमाखोरी ना हो ताकि लोगों को महंगा सामान ना खरीदना पड़े। हालांकि अभी जो वजह हाल फिलहाल बताई जा रही है, चाहे हम व्यापारियों से बात कर रहे हैं या अन्य लोगों से बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बारिश के चलते आवक सब्जी की कम होगी, इसके चलते जो दाम है वो बढ़े हैं और बारिश होने के चलते फसल जो है, उम्मीद यही कि जल्द से जल्द राहत अब लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मिथिलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि जल्द से जल्द दामों में कहीं ना कहीं राहत आम आदमी को भी महसूस हो। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही, आप देख रहे हैं न्यूज 18। कैसे आप देखते 23 के आखिरी में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अब की बार 200 पार? 200 नहीं, 150 से ऊपर सीट आएगी जी, 150 से ऊपर आएगी। मैं लफ्फा जी नहीं करता हूँ। प्रियंका गांधी आकर की नर्मदा स्नान भी किया, ये अभी क्यों जाने लग गए मोदी जी के बनने, प्रधानमंत्री बनने, इसके पहले कभी नहीं गए। वो जो ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस की मानसिकता के थे वो कहना यार मोदी जी आवश्यकता 10 साल और अभी। अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है, ये जो मानसिकता है जिहादी की, इससे विश्व को बचना पड़ेगा। एक देश एक विधान, ये बहुत जरूरी। पश्चिम बंगाल की राजनीति है, वहाँ तो युद्ध लड़ा जाता है। मैं जब वहाँ 6 साल रहा तो 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है, तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, ममता जी का संविधान चलता है।